दिखने लगा मार्च क्लोजिंग का असर। स्टेट जीएसटी ने कर चोरों के खिलाफ शुरू की ताबड़तोड़ कार्रवाई। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी ने 4 ट्रक और 1 पिकअप पकड़ी। टैक्स चोरी की संभावना में 5 वाहनों को पकड़ा। लाखों की कर चोरी वसूलने की तैयारी में स्टेट जीएसटी टीम संयुक्त आयुक्त उमेश जालान के निर्देशन में कार्रवाई। सहायक आयुक्त सुनील जानू के नेतृत्व में टीम ने की कार्रवाई। संयुक्त आयुक्त बोले मार्च का महीना है, फोकस ज्यादा रहेगा। मार्च क्लोजिंग में टैक्स वसूली को लेकर अब स्टेट जीएसटी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। झुंझुनू संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने भी कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर चोरों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में सहायक आयुक्त सुनील जानू के नेतृत्व में स्टेट जीएसटी की टीम ने 4 ट्रकों और 1 पिकअप गाड़ी को कर चोरी की संभावना के मद्देनजर पकड़ा है। संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने बताया कि झुंझुनू से भरकर दूसरी जगह ले जाए जा रहे आयरन स्क्रैप से भरे 2 ट्रक, केमिकल ड्रम से भरा 1 ट्रक तथा परचूनी माल का 1 ट्रक पकड़ा गया है, जिनके पास टैक्स से संबंधित कोई कागज नहीं मिला। इसके अलावा झुंझुनू शहर के गौशाला रोड से भी एक पान मसाले से भरी पिकअप को पकड़ा गया है, जिनके पास भी बिल या ई वे। सभी 5 वाहनों को कर भवन झुंझुनू में खड़ा करवाया गया है, जिनके मालिकों को सूचित कर दिया गया है। इन वाहनों में करीब 40 लाख रुपए की कीमत का सामान है। संभावना है कि स्टेट जीएसटी इन 5 वाहनों से लाखों रुपए का टैक्स वसूलेगी। कार्रवाई में राज्य कर अधिकारी शक्ति सिंह भी शामिल थे। संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार टैक्स चोरी करने के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब मार्च का महीना है, इसलिए कर चोरों पर फोकस ज्यादा रहेगा। 2 दिन के अंदर विभाग द्वारा लगभग 5 ट्रकों को पकड़ा है कर चोरी की आशंका में, जिनमें से 2 ट्रक तो स्क्रैप के हैं, आयरन स्क्रैप। ये ट्रक बिना ई वे बिल और इनवॉइस के झुंझुनू से माल भर के बाहर ले जाना चाह रहे थे। 1 ट्रक में टोबैको प्रोडक्ट है, उसमें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहाँ उपलब्ध नहीं करवा पाया। और 1 ट्रक में परचून का माल है, उसकी जांच करने के बाद में पता लगेगा कि कितना माल उसमें गलत है। वैसे तो सारा कुछ जांच के बाद पता लगेगा, पर जहां तक विभाग का आंकलन है, लगभग 40-50 लाख रुपए का ये माल है, उस पर जो भी नियमानुसार शास्ति होगी वो विभाग वसूल करेगा। विभाग द्वारा वैसे तो नियमित रूप से कार्रवाई की जाती रही है, और अब वैसे भी मार्च का महीना है, इसमें तो और ज़्यादा फोकस रहेगा, और वैसे निरंतर कर वंचकों पर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।